आ मुसलमान फकीरे कज कुलाहे रमीदा सीने हु सोजियाहे दिलश नालत चरा नालत नदानत निगाहे या रसूल अल्लाह। इकबाल कहंदा या रसूल अल्लाह पता नहीं की होया, मेरा दिल रोंदा क्यों रोंदा, मुसलमाना दी हालत तबाह हो गई। इकबाल ये हुजूर की बारगाह में यहां से इस्तिगासा कर रहा है। आ मुसलमान फकीरे कज कुलाहे रमीदा सीने हु सोजियाहे, ए मुसलमान फकीरे इदी हालत कोई नहीं है, कज कुलाए इद कोई हालत कोई नहीं। इकबाल ना मुसवरे पाकिस्तान है ना अपने आप नू फकीर कहंदा ते है भी फकीर, चज दा कोई नहीं, बे चजा फकीर है तुहाडे दरबार दा, लेकिन मेरे सीने विच हुकां उठदियां, दर्द उठदे ते मेरा दिल रोंदा पता नहीं क्यों रोंदा। आ मुसलमान फकीरे कज कुलाए रमीदा सीने ऊ सोजिया है दिलश नालत चरा नालत, मेरा दिल रोंदा क्यों रोंदा नदानत, मैनू भी हुजूर पता कोई नहीं, अब मैं क्या करूं, हूं भी फकीर चज का भी कोई नहीं, अब मैं क्या करूं। निगाहे या रसूल अल्लाह, निगाहे या हुजूर, निगाह फरमाओ साड़ी हालत। सुरूद रफ्ता बाज आयत के ना आयत, नसीमे अज हिजाज आयत के ना आयत, क्यों जी इकबाल ऐथे रोया, पता नहीं साड़ा की बनना है, पता नहीं मजीद मुल्क जाने या इराक वापस आना है या अफगानिस्तान वापस आना है या शाम वापस आना है या मिस्र वापस आना है। मोहम्मद मुरसी सिर्फ उसने हुजूर की नामूस की बात की, और जो किब्ती ईसाई थे जिन्होंने वो फिल्म जो हुजूर के खिलाफ बनी है, मिस्र के किब्ती ईसाइयों ने अरबी में उसका तर्जमा किया था, और मोहम्मद मुरसी वो दौड़ गए थे मिस्र से, तो मोहम्मद मुरसी ने उनकी अदम मौजूदगी में उनको सजाए मौत सुना दी थी कि तुमने हुजूर के गुस्ताखी वाली फिल्म का अरबी में तर्जमा क्यों किया, तो कुफर को इतना दर्द उठा और उसको सजाए मौत सुना दी, उसको सजाए मौत सुना दी।